अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ एहसन महमूद एंड वेलकम टू ज़ायंस। न्यूज़पेपर ऐप डेवलपमेंट की ये हमारी पांचवी वीडियो है। अभी तक हम अपना फ्रंट एंड सेटअप कर चुके हैं रिएक्ट जेएस में, बैक एंड सेटअप कर चुके हैं लारावेल में, और फ्रंट एंड में हमने अपनी बेसिक जो प्रोजेक्ट सेटअप था वो कर लिया, जिसमें राउटर, यूआई लाइब्रेरी और बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने सेटअप कर ली। और बैक एंड में हमने बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जो ऑथेंटिकेशन के लिए हमें पैकेज ज़रूरी था और एपीआई मैनेजमेंट के लिए, वो हमने इंस्टॉल कर ली। आज की वीडियो में हम फ्रंट एंड और बैक एंड में जो ऑथेंटिकेशन का फ्लो है वो फाइनलाइज करेंगे। मीन फ्रंट एंड पे हम साइन अप की और साइन इन की स्क्रीन बनाएंगे और उसको बैक एंड के साथ कनेक्ट करेंगे और ये चीज़ फाइनलाइज करेंगे कि यूज़र साइन अप या और साइन इन कर सके। ये चीज़ हम आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं यहाँ पे फ्रंट एंड और बैक एंड के कोड को ओपन कर लूँगा और इसको यहाँ पर स्टार्ट भी कर लेंगे। साथ ही मैं यहाँ पे ब्राउज़र को भी ओपन कर लूँगा और यहाँ पर प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेंगे। ये हमारी होम पेज की यूआई थी, हम इसे थोड़ा सा चेंज कर देंगे और लेट्स से हम ये वाला कंपोनेंट अब हमें नहीं चाहिए। ओके, और यहाँ से हम मेनली एक ग्लोबल स्टेट बना लेंगे जिसका पर्पस ये होगा, जो हमें बताएगी कि हम ऑथेंटिकेटेड हैं कि नहीं है। ग्लोबल स्टेट मैं यहाँ पर रिकॉइल के साथ मैनेज कर रहा हूँगा और साथ में एपीआई जो हैंडलिंग होगी वो मैं टेंस्टैक क्यूरी के साथ कर रहा हूँगा। तो मैं ये दो चीज़ें इंस्टॉल कर लूँगा, साथ ही मैं एक्सीएस पैकेज को भी इंस्टॉल कर लूँगा, टेंस्टैक रिएक्ट क्यूरी रिकॉइल और एक्सीएस, इन तीनों को इंस्टॉल कर लूंगा मैं। और बैकएंड को अभी के लिए स्टॉप कर दूं। इसके साथ ही मुझे कैपेसिटर, परसिस्टेंट ये भी चाहिए होगा। बेसिकली जो अल्टरनेटिव वे है वो ये है कि मैं लोकल स्टोरेज से, जो विंडो डॉट लोकल स्टोरेज होता है उसको यूज़ करूं, लेकिन इसको मैं इस वजह से प्रेफर कर रहा हूं क्योंकि इसको यूज़ करने के बाद जब हम एट द एंड इसको एक मोबाइल ऐप में कन्वर्ट करेंगे कैपेसिटर की एपीआई को यूज़ करते हुए, तो हमारा वो काम भी चल जाएगा। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। इसे मैं यहाँ पर स्टार्ट कर दूंगा और वापस आ जाऊंगा कोड में। यहाँ पर मैं स्टेट यूजर स्टेट स्लैश इंडेक्स डॉट टी एस और कॉन्स्ट यूजर ऑथ और ये अभी भी वो जो इम्पोर्ट ऑटो इम्पोर्ट का था उसमें ज़रा एरर दे रहा है। पैकेजेस अभी इंस्टॉल किए हैं तो इस वजह से शायद, तो सिंपली बस इसको एक दफ़ा रीलोड कर लें।
अब इसे दोबारा स्टार्ट करते हैं और अब ये सही तरह देने लग पड़ा है। यहाँ पर जो ऑटो इम्पोर्ट का इशू था वो ख़त्म हो गया। यहाँ पर रिकॉल को यूज़ करने का तरीका कार ये है कि आप आइटम बनाते हैं, उसमें आप बता देते हैं कि इसमें किस टाइप का डाटा स्टोर होगा और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली आप काम करते हैं। यहाँ पे टाइप का डाटा बनाने के लिए मुझे टाइप्स का जरूरत होगी, टाइप्स स्लैश यूजर एक्सपोर्ट इंटरफेस आई यूजर और उसमें आईडी जो कि स्ट्रिंग होगी, नेम जो कि स्ट्रिंग होगा, ईमेल जो कि स्ट्रिंग होगी, पासवर्ड, सॉरी पासवर्ड नहीं आएगा फ्रंट एंड पर, और उसके बाद क्रिएटेड एट जो कि अभी के लिए मैं स्ट्रिंग ही रख रहा हूँ, अप डेटेड एट स्ट्रिंग और दैट्स इट। बाकी चीज़ें फिर हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पर इसे कर लिया और नल ओके और यहाँ पर मैं एक कर दूंगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूजर इज ऑथेंटिकेटेड सिलेक्टर। वंस अगेन ये रिकॉल का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट बेसिकली रिकॉल में आपने पहले काम किया हुआ है तो ओके, अदरवाइज ये बेसिकली रिकॉइल में ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। रिकॉइल में बेसिकली आप आइटम बनाते हैं, उसमें डाटा स्टोर करते हैं, सिलेक्टर के थ्रू आप एक आइटम में से स्पेसिफिक डाटा उसको ले सकते हैं और उसके साथ काम कर सकते हैं। यूजर डाटा गेट ओ सॉरी बेसिकली इसकी भी की ही ये मुझे थोड़ा जी की सबसे पहले दोनों आइटम और सिलेक्टर दोनों की की होती है और उसके बाद गेट का फंक्शन होता है जिसमें कि आप डिफाइन करते हैं कि अगर इस जो सिलेक्टर है इसको यूज़ किया जाए वैल्यू गेट करने के लिए तो क्या होगा, और अगर सेट करने के लिए तो उसका सेट का मेथड होता है जिसके थ्रू आप उसका लॉजिक लिखते हैं। इसमें आप बाकी जो रिकॉल आइटम्स होती हैं दूसरी स्टेट्स होती हैं उनको यूज़ कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपना काम कर सकते हैं। जब भी अपना कोड लिखने हो प्लीज़ ट्राई कैच में कोशिश किया करें, मोस्ट ऑफ द टाइम टैप किया करें ताकि जो एरर केस हो उसको कवर कर सकें। ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया और अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। हमें यहाँ पर HOCs चाहिए। ऑथेंटिकेशन HOC बेसिकली ये चेक करेगा कि यूज़र इस वक्त ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है और उसके अकॉर्डिंगली उसको या तो लॉगिन करेगा या फिर रीडायरेक्ट कर देगा। और यहाँ पर एक चीज़ मुझसे हो गई, इसको इंडेक्स डॉट
साथ ही बेसिकली हम यहाँ पर यूटिल्स का फोल्डर बना लेंगे जिसमें मुझे कॉन्स्टेंट्स चाहिए, जिसमें कि इंडेक्स डॉट टी एस आ जाएगी। और उसमें बेसिकली मुझे सबसे पहले एक्सपोर्ट कॉन्स्टेंट लोकल स्टोरेज कीस ये चीज चाहिए। यहां पे बेसिकली मुझे यूजर डाटा और उसके अगेंस्ट मैं एक रैंडम सी की असाइन कर दूंगा और यूजर ऑथ टोकन, उसके अगेंस्ट मैं रैंडम सी की असाइन कर दूंगा। इसे मैं अब यहाँ पर यूज़ करूँगा और यहाँ पे बेसिकली मैं इस चीज़ को वेरीफाई करूँगा कि यूज़र ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है। अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड है तो ओके, वो कंटिन्यू कर सकता है, अदरवाइज उसको बेसिकली मैं लॉगिन की स्क्रीन पे रीडायरेक्ट कर दूँगा। अगर ऑथेंटिकेटेड है तो फिर उसको होम पेज या जिस राउट पे वो जा रहा है उस पे यहाँ तो वो जाएगा, और अगर बेसिकली हमारी ऐप में सिर्फ वो लैंड कर रहा है तो उसको हम रीडायरेक्ट करवा देंगे जो उसका आर्टिकल सर्च का पेज होगा, वहाँ पर आर्टिकल्स का पेज स्लैश आर्टिकल्स। ओके, पेजेस पहले हम डिफाइन कर लेते हैं अपने ताकि हमें उस तरफ से क्लियर हो जाए कि कौन कौन से हमारे पास पेजेस हैं। लॉगिन स्लैश इंडेक्स डॉट पीएसएक्स और उसके बाद ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। और यहाँ पर साथ ही मुझे एक XCS इंस्टेंस भी चाहिए। Thank you.
ये यहाँ पर हमारे पास बेस यूआरएल आ गया, और इसके लिए बेसिकली मुझे बैकएंड यूआरएल चाहिए जो कि मैं यहाँ पर ENVs के थ्रू गेट कर लूँगा। ENV में मैं यहाँ पे लिख दूँगा बेसिकली जो जनरल इन्फॉर्मेशन होगा। का URL यहां से देख लेंगे। -API ये हमारा बैकएंड का, क्योंकि इसके बाद जो है वो पाथ अटैचमेंट होगी और वो चलेगा। उसके साथ हमें एक प्रॉड का भी चाहिए ताकि जब हम डिप्लॉय करें तो हमें चेंज करने की जरूरत ना हो, डायरेक्ट यूज हो सके। और साथ में मुझे इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए चाहिए एक API। उसके लिए मुझे इंक्रिप्शन और इंक्रिप्शन का सीक्रेट चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा ये सीक्रेट की वैल्यू मैंने लिख लिया और अभी के लिए मेनली यही चाहिए। साथ में ही एक फाइल बना लेंगे ENV एग्जाम्पल, और उसमें इस चीज़ को डिफाइन कर देंगे विदाउट वैल्यू। यहाँ पे हमने ये दो फाइलें बनाती हैं, और नेक्स्ट मूव ऑन करने से पहले ENV को हमने एस्केप करवाना है इसमें से। एक और फोल्डर यहाँ पे अक्सर बन जाता है एक एक्सटेंशन की वजह से, डॉट हिस्ट्री का, वो मैंने VS कोड में एक की हुई है एक्सटेंशन जो कि रिकॉर्ड रखता रहता है, तो मैंने उसको भी अभी एस्केप कर देता हूँ। ओके, अब मुझे यहाँ पे वो URL चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ पर यूटिल के अंदर ही env keys index.ts, सॉरी tsx हम सिर्फ उस फाइल में यूज करेंगे जहां पर कोई बेसिकली रिएक्ट का कंपोनेंट यूज होना होगा। और यहां पर अब जो लॉजिक है वो हम उसको फाइनलाइज कर लेंगे। const env's ओके और API
ओके ये हमारा ENV रेडी हो गया और यहाँ पे अब आके हम ENVs डॉट API वाला दैट्स इट और इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट दिस ओके और यहाँ पे अब हमने और इसे यहाँ से क्लोज ओके मुझे ये बिल्कुल सेंटर में चाहिए और इसका साइज थोड़ा ज़्यादा चाहिए। ओके चलो
ये काम करेगा बस, इसको यहीं पे छोड़ते हैं, वापस आ जाए हम पे। अब यहाँ पे मुझे एक कॉन्स्ट कंपोनेंट स्टेट यहाँ पे हमें इसको ओके। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमें प्रोवाइडर्स चाहिए, इसको यहाँ से खत्म कर दो। रिकॉल रिकॉल आ गया, और उसके बाद ओके। ओके, इसको ज़रा देख लेते हैं, इसका
ये रहा प्रोवाइडर, क्यूरी क्लाइंट, यूज क्यूरी क्लाइंट और विस्तार। ठीक है, ओके। ये दोनों प्रोवाइडर पैटर्न्स पे चलते हैं, तो इस वजह से इन दोनों को इस तरह मेन कंपोनेंट को जो होता है उसको रैप करना ज़रूरी है इसमें। यहाँ पर अब ओके, मैं सिर्फ कंफर्म कर रहा था कि यहाँ पे कुछ आता है कि नहीं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बेसिकली आप ने रिटर्न करना है जो भी डाटा, और ये म्यूटेशन एसिंक। ओके ओके, बेसिकली ये फंक्शन हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, और क्योंकि ये जहाँ जहाँ पे हमने यूज़ म्यूटेशन या यूज़ क्यूरी कॉल करना है ना, वहाँ वहाँ पे हमें ये यूज़ म्यूटेशन और इसमें जो कॉमन बेसिकली चीज़ें हैं, जैसे कि यूआरएल को फॉर्मेट करना और लोकल स्टेट को चेक करना, क्यूरीज को इनवैलिडेट करना, इस तरह की सारी चीज़ें ये हमें बार बार करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि हम यहाँ पे हुक्स का फोल्डर बना लें, और उसमें बेसिकली हम इसमें कर लें रिएक्ट क्यूरी, उसमें और यहाँ पे कुछ कस्टम हुक्स बना लें जो कि ये काम हमारे लिए कर दी होंगी, जैसे कि बेसिकली जो हमने काम यहाँ पे सारा करना है, ताकि यहाँ पे जब हम कॉल कर रहे हों तब हमारा काम कम से कम हो। तो इसके लिए हम करते हैं 3 से 4 डिफरेंट टाइप हुक बना लेते हैं, और उनके अकॉर्डिंगली फिर उनको हम कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, यहाँ पे बस 1 मिनट दे, मैं सोच रहा हूँ कि रिएक्ट क्यूरी अभी आपको इंट्रोड्यूस करवाना कितना। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू कर लेंगे। अगर एक्सपोर्ट कांस्टेंट, ये
यूज आर क्यू म्यूटेशन रिक्वेस्ट। ये बेसिकली जेनेरिक बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हम बाद में इसको यूटिलाइज कर सकें। क्योंकि हम यहाँ पे म्यूटेशन का काम कर रहे होंगे और उसका जो रिज़ल्ट होगा वो अभी के लिए मैं कह देता हूँ टी होगा या फिर वॉइड होगा, फिर जो हो रहा था जाएगा उसको हम साथ साथ एंटरटेन करते जाएंगे। और यहाँ पर यहाँ पे हम ये फंक्शन वगैरह जो है यहाँ पे हम डिफाइन कर लेंगे ताकि उसको फिर हम यूज़ कर सकें। ओके और यहाँ पे अब मैंने बेसिकली जो है एपीआई रिक्वेस्ट, एक्चुअल जो एपीआई रिक्वेस्ट है उसको करना है और उसके अकॉर्डिंगली सारा काम होगा। अब जब भी ये चीज़ कॉल होगी तो इसमें मुझे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी, इसमें बेसिकली मुझे यूआरएल रिक्वायर होगा कि किस यूआरएल पे मैंने रिक्वेस्ट सेंड करनी है, और उसकी टाइप होगी स्ट्रिंग। उसके बाद मुझे जो चीज़ रिक्वायर होगी वो बेसिकली जो क्यूरीज टू इनवैलिडेट, अगर कोई क्यूरीज मैंने इनवैलिडेट करनी है तो उसकी ज़रूरत होगी, और वो बेसिकली ऑप्शनल होगा कि अगर कोई क्यूरी, जैसे कि रजिस्टर पे हमने कोई क्यूरी इनवैलिडेट नहीं करनी, हमने सिर्फ यूज़र को रजिस्टर करना है इसी तरह लॉगिन पे, लेकिन जब हम कोई चीज़ क्रिएट करेंगे तो उसमें हमें इस चीज़ की ज़रूरत होगी। तो इसमें हम ये बेसिकली दो टाइप इसमें असाइन कर देंगे क्यूरी की, और इसको इस तरह थोड़ा सा कर लेंगे फॉर्मेट। और उसके बाद यहाँ पे अब मुझे एक फंक्शन कॉल करना है जो कि इसका काम जो है वो एक्चुअल जो बेसिकली एपीआई फेचिंग वाला काम है उसको करेगा। तो इसमें मैं अवेट लेट्स से कि मैं यहाँ पर इसे, सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे बेसिकली यहाँ पे जो करना है वो एक्सीएस इंस्टेंस को उसको कॉल करना है, और डिपेंड करेगा ये चीज़ कि ये ओके इसको हम यूज़ म्यूटेशन की जगह यूज़ पोस्ट रिक्वेस्ट कह देते हैं। ओके पोस्ट, और इसमें अब यूआरएल आ जाएगा। यूआरएल मैंने यहाँ पे पहले ही कहा हुआ है कि यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, और उस यूआरएल को मैं यहाँ पे पास कर दूँगा। साथ में मुझे डाटा चाहिए जो मैंने डाटा पास करना है, तो मैं डाटा जो कि स्ट्रिंग की फॉर्मेट में होगा
डेटा को पास कर दूंगा और इस चीज़ को मैं अवेट कर लूँ। अगर ये चीज़ जो है ये सक्सेसफुली पास हो जाएगी तो इसमें काम चल जाएगा। जब ये म्यूटेट हो रहा होगा, मीन के क्यूरी इन प्रोसेस होगी ये जो रिक्वेस्ट है, तो उस वक्त मैं इसे जो क्यूरीज को इनवैलिडेट करने का कहा गया था उनको स्टॉप कर दूंगा। उसके लिए मुझे क्यूरी क्लाइंट की ज़रूरत होगी, तो क्यूरी क्लाइंट मैं यहाँ पर इसके थ्रू ले सकता हूँ। ये एक हुक है, इसके थ्रू मैं क्यूरी क्लाइंट ले सकता हूँ, कैंसिल, और यहाँ पे दिस। और इसे यहाँ पर गेट कर लेंगे और ओके। यहाँ पे ये बेसिकली कह रहा है कि यहाँ पे इसको सिर्फ और सिर्फ क्यूरी फिल्टर चाहिए। ओके, इसे अभी के लिए हम एज क्यूरी फिल्टर कर देंगे और बाद में फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इनकी जो इन द सेंस ये दोनों जो हैं टाइप एग्जैक्ट एटीसी, इस पर हम कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर ये चीज़ बेसिकली ये रिक्वेस्ट सक्सेस हो जाती है, पास हो जाती है, तो उस केस में हमने क्या करना है, और अगर ये रिक्वेस्ट फेल हो जाती है तो उस केस में हमने क्या करना है, इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन करेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑन सक्सेस क्या हमने करना है, यहाँ पे हमें डाटा इसका मिल जाएगा जो भी इससे रिटर्न होगा, बेसिकली जो भी चीज़ रिटर्न होगी वो यहाँ पे मिल जाएगी, और उसको बेसिकली अब यहाँ पे मेनली अभी जो काम करना है वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला ही करना है कि इनवैलिडेट क्यूरीज को, जो क्यूरीज इनवैलिडेट करनी थी उनको इनवैलिडेट कर देंगे, और यही है, ये बेसिकली यहाँ पे भी चल रहा है, तो इसको हम यही कंसिडर कर लेंगे ताकि ये हमें ना करना पड़े। दैट्स इट, ओके। नेक्स्ट हमें ऑन एरर, कि अगर एरर आ जाता है इस एपीआई में तो क्या करना है, और उस केस में बेसिकली हम सबसे पहले एक एरर इंस्टेंस बना लेते हैं जो जनरल एरर होगा, डॉट एरर इंडेक्स डॉट टी एस, और यहाँ पे बेसिकली हम const for error जिसमें कि हम मेनली जो चीज़ें गेट कर रहे होंगे वो एरर डाटा, जो भी हमें बेसिकली एरर मिलता है अगर उसको हमने लॉक करवाना है, अगर हमने मैसेज कोई हमें चाहिए तो उसको, और लास्टली इसको कंसोल में शो करवाना है कि नहीं करवाना। ओके, ये हो गया, और इस चीज को हम यहां से एक्सपोर्ट कर देंगे, और यहां पर मेनली जो है इस चीज को हम जैसे कि सेंट्री वगैरह में
और लास्टली अगर कंसोल में शो करवाना का कहा गया है तो उसको बेसिकली कंसोल में भी शो करवा देंगे। यहाँ पे सबसे पहले एक प्रॉपर जो है यहाँ पे इसको एरर कह देते हैं, और यहाँ पे एरर डेटा जो के इस सेंस में हम पूरे एरर को और मैसेज को यहाँ पे पास कर देंगे, और जिसमें कि हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेंगे एरर अपर्ट ओके और ये है ये। इसको हम इसे क्लोज करके यहां पर शो करवा देंगे। उसके बाद अगर लेट्स से कि ये एक्सियस एरर है तो इसमें से हम इसका जो स्टेटस है उसको सबसे पहले चेक करेंगे। ओके और इसके लिए अब मुझे चाहिए इनम चाहिए और इसमें हम इसकी जो नॉर्मल बेसिकली स्टेटस कोड होते हैं जैसे कि बैड रिक्वेस्ट हो गया, अनऑथेंटिकेटेड हो गया, एक्सेस फॉरबिडन, नॉट फाउंड, इस तरह के जो एरर कोड्स हैं उनको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, स्टार्टिंग विद बैड रिक्वेस्ट या स्टार्टिंग विद सक्सेस। ओके उसके बाद बैड रिक्वेस्ट, उसके बाद अनऑथेंटिकेटेड, अनऑथराइज्ड और नॉट फाउंड एंड सर्वर एरर। अभी के लिए इतने बहुत हैं, फिर और ऐड कर लेंगे जब जरूरत होगी। और एक मैं भूल गया, क्रिएटेड। अगर अनऑथेंटिकेटेड का एरर आया, 401 आया, तो हमने बेसिकली जो लोकल स्टोरेज में इसका टोकन प्लेस है उसको क्लियर करना है ताकि बेसिकली फिर ये वाली रिक्वेस्ट ना जाए। और
वहाँ से हमने कंटिन्यू करना है, क्योंकि अगर अनऑथेंटिकेटेड का एरर आ गया तो हमने उसको यूज़र को दोबारा इस तरह की रिक्वेस्ट करने की इजाज़त नहीं देनी, और उसको बेसिकली उसकी जो ऑथ स्टे क्लियर है उसको क्लियर कर देना। यहाँ पर क्लियर करने के लिए बेसिकली जो स्टोरेज के रिलेटेड चीज़ें हैं उनको क्लियर करना है, तो मैं सबसे पहले कुछ हेल्पर फंक्शंस बना लूँगा। यूटिल में आएंगे, हेल्पर्स index.ts, और इसमें हम हेल्पर फंक्शन बना लेंगे const स्टोरेज, और इसमें हम एक से दो हेल्पर फंक्शन बना लेंगे जिसका कि हम गेट एसिंक टाइप, जिस टाइप का बेसिकली डाटा हमें चाहिए, की स्ट्रिंग, और हम इसे कह देंगे कि ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा या तो इस टाइप का जो हमने सेंड किया है या फिर नल रिटर्न करेगा। और हम यहाँ पे अब सबसे पहले वैल्यू गेट करने की कोशिश करेंगे, और वैल्यू गेट करने का क्या तरीका है, हम बेसिकली प्रेफरेंसेस एपीआई यूज़ करेंगे जो कि मैंने पैकेज इंस्टॉल किया था, और उसमें गेट की एपीआई को यूज़ करेंगे और उसमें की डिफाइन कर देंगे कि किस की की बात कर रहे हैं, और उसकी वैल्यू को हम गेट कर लेंगे। दैट्स इट, ये हमारे पास, ये बेसिकली स्ट्रिंग हो सकती है या नल हो सकती है। अब जब हम डाटा स्टोर कर रहे होंगे हम उस डाटा को बेसिकली इनक्रिप्ट करके स्टोर करवाया करेंगे, और जब हम डाटा गेट कर रहे होंगे तो हम डाटा को डिक्रिप्ट करके चेक किया करेंगे, ताकि बेसिकली हमारी लोकल स्टोरेज में कोई भी डाटा एज इट इज ना भरा हो। तो उसका तरीकाकार ये है कि हम सबसे पहले इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के दो मेथड यहाँ पर लिख लेते हैं, जो कि मैं ऊपर लिख लेता हूँ, const encrypt data, और let's say कि इसकी value कुछ भी हो सकती है तो unknown, और ये return क्या करेगा, इसके लिए मुझे basically ये string return करेगा, basically एक encrypted object बना के, और उसके लिए मुझे इसके जो है ज़रूरत है एक पैकेज की, क्रिप्टो JS यूज़ कर लेंगे या कोई भी एक पैकेज यूज़ कर लेंगे जिसके थ्रू हम इसको काम कर रहे होंगे। तो मैं क्रिप्टो JS यूज़ कर लूँगा, क्रिप्टो JS ये आ गया, और इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। ओके, इसे स्टार्ट कर लेंगे, और यहाँ पर बेसिकली मैं अभी के लिए मैनुअली इंपोर्ट कर लूँगा, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा फाइल्स ओपन है, तो अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो उसमें थोड़ा सा इशू हो सकता है, सारी फाइल्स दोबारा से स्टार्ट होंगी, और मैं यहाँ पर AES का जो पैटर्न है उसको यूज़ करूँगा, और यहाँ पर ये बिल्कुल ही इसकी जो है वो नहीं दे रहा, बेसिकली इसकी टाइप्स वगैरह डाउनलोड करनी पड़ेंगी। ओके, बस एक मिनट, इसकी मेरे ख्याल से मुझे टाइप्स जो हैं वो अलहदा डाउनलोड करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये टाइप्स इसके साथ नहीं है। कोई नहीं, हम ये एज इट इज़ कमांड कॉपी करेंगे और पी इसकी टाइप्स को डाउनलोड कर लेंगे। ओके, स्टार्ट, और अब ये चलने लग पड़ा है, ठीक है। ओके, वापस आ जाते हैं, और अब इसका हम बेसिकली इंक्रिप्शन करेंगे इसके साथ। सीक्रेट मैंने इसीलिए पहले ही ऐड कर लिया था, रिटर्न,
और लेट से कि अगर एरर आता है तो हम नल रिटर्न करेंगे, ट्राई कैच करेंगे और यहाँ पर AES डॉट इनक्रिप्ट और जो भी हमें यहाँ पे डाटा है उसको, तो उसके लिए हम जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर लेंगे जो हमारे पास डाटा आता है उसको। और लेट्स से चलें ठीक है, डाटा यहाँ पे आने थे, जो वैल्यू है वो आई और इसको की, अब की जो है मैं ENV इससे लूँगा, क्रिप्टो सीक्रेट डॉट टू स्ट्रिंग ये, और अगर एरर आता है तो रिटर्न नल। ये हो गया इनक्रिप्ट डाटा, इसको एक्सपोर्ट भी कर देते हैं जस्ट इन केस कहीं और पे जरूरत हो तो इसको भी एक्सपोर्ट कर देते हैं। हमारे पास ये डाटा आ गया, इनक्रिप्ट कर लिया हमने, हमें डिक्रिप्ट भी चाहिए, तो डिक्रिप्ट के लिए मैं इसको ऑलमोस्ट कॉपी कर लूँगा। थोड़ा सा हमारा पैटर्न चेंज होगा क्योंकि इस बार हम डाटा की टाइप बताएंगे कि कौन सी टाइप का डाटा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे, और या तो उस टाइप का डाटा होगा या फिर ये होगा, और इस टाइप हमें स्ट्रिंग मिलेगी क्योंकि जारी बात है हमें इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग हम इनक्रिप्ट करने के बाद दे रहे हैं, तो स्ट्रिंग हमें मिलेगी इनक्रिप्टेड। और जब हमने इनक्रिप्ट किया था तो हमने बेसिकली स्ट्रिंगिफाई करके उसको इनक्रिप्ट किया था, अब हम पहले उसको डिक्रिप्ट करेंगे और बाद में पार्स करेंगे, तो ये बस पैटर्न शिफ्ट होगा कि ओके। तो अब हम पहले इसको डिक्रिप्ट करेंगे, लेट्स से कि ये वैल्यू डायरेक्ट इधर आएगी क्योंकि ये इनक्रिप्टेड वैल्यू, यहाँ पे जब हम इनक्रिप्टेड देते हैं तो इसको अब डिक्रिप्ट करेंगे, और यहाँ पे बेसिकली इसका कोड बता दिया जाएगा कि कौन सा कोड हमें चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ से एक चीज़ करूँगा ये, और यहाँ पे मैं UTF-8 डिफाइन कर दूँगा कि ये हम यूज़ कर रहे होंगे, ये चीज़ होगी। अब लास्टली मैं यहाँ पर इसको JSON.parts करूँगा जो चीज़ हमें इससे मिलेगी, ओके ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे इसको हम कह देंगे कि ये जो डाटा है ये S फॉर्मेट में होगा जिस फॉर्मेट में हमने इसको एक्सपेक्ट किया है, मतलब कि T की जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में ये डाटा होगा। यहाँ पे मैं इसको ST कर दूंगा, और अगर ये नहीं होगा तो ये इस तरह हो जाएगा और ये इनक्रिप्ट की बजाय डिक्रिप्ट हो जाएगा। ओके ये होपफुली आपको इसकी चीज की समझ आ गई होगी। यहाँ पे अब स्टोरेज से जब हम डाटा गेट कर रहे होंगे तो जब भी हम स्टोर करेंगे तो हम इनक्रिप्ट करके स्टोर करेंगे और गेट करेंगे तो डिक्रिप्ट करके गेट करेंगे, तो वंस अगेन वही काम। अब सबसे पहले तो मैं इसको ट्राई कैच में मूव कर दूंगा यहाँ पे, और अगर ये एरर आ गया तो फिर नल कर दो रिटर्न यहाँ पे। अब सबसे पहले मैंने ये चेक करना है क्योंकि यहाँ पे इस वैल्यू की स्ट्रिंग हो सकती है नल, अगर तो वैल्यू है तभी आगे मूव करने की जरूरत है, अदरवाइज रिटर्न नल या वैल्यू करते हैं क्योंकि वो भी नल ही है। अच्छा, और यहाँ पर अब रिटर्न करना है हमने बेसिकली इसकी जो डिक्रिप्टेड वैल्यू है उसको, तो डिक्रिप्ट करेंगे जैसे मैंने कहा कि हम इनक्रिप्ट करके स्टोर करेंगे, तो हम हमेशा जब भी डाटा को वापस करेंगे उसको डिक्रिप्ट करके करेंगे, और यहाँ पे क्योंकि ये जेनेरिक टाइप है तो मैं इसको ये भी पास कर दूंगा कि भाई इस टाइप का डाटा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, ओके, ताकि वो मतलब जो प्रॉपर उसकी जो है फॉर्मेटिंग वो हो जाए। ये हो गया, साथ ही यहाँ पे बाकी फंक्शन भी डिफाइन कर लेंगे सेट करने के लिए, उसके लिए हमारे पास एसिंक का फंक्शन होगा, जिस की में डाटा सेट करना है वो मुझे चाहिए होगी और जो डाटा सेट करना है वो मुझे चाहिए होगा। डाटा वंस अगेन मैं अननोन फॉर्मेट कोई भी फॉर्मेट चलेगी और उसका जो रिजल्ट होगा वो प्रॉमिस, ये बेसिकली कुछ भी हम रिटर्न नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ हमने सेट करना है और गेट नहीं करना। यहाँ पे ट्राई कैच होगा और यहाँ पे मैं अवेट रेफरेंसेस डॉट सेट और यहाँ पर की जो है वो सेट कर दूंगा और वैल्यू जो है वो डाटा सेट कर दूंगा लेकिन इनक्रिप्ट करके, ओके, और
वैल्यू बेसिकली स्ट्रिंग और नल होगी, तो पहले इसको चेक कर लेते हैं। अगर ये हमें मिलती है तो हम इसको यहाँ पे स्टोर करवा लेंगे, दैट्स इट। एल्स हम यहाँ पर एरर थ्रो कर देंगे। अगर मैं यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा हूँ तो मुझे ये वहाँ पे चाहिए होगा जहाँ पे मैं इसे कॉल कर रहा हूँ, तो फिर मैं इस एरर को वहाँ पे एक्सपेक्ट भी करूँगा, थ्रो न्यू एरर। ओके ठीक है, यहाँ पे मैं कर दूंगा लेट्स से समथिंग वेंट रॉन्ग व्हाइल ट्राइंग दैट टाइम। ओके ये डाटा क्योंकि मुझे वहां पे मेन में चाहिए होगा अगर ये डाटा आता है, तो इस वजह से मैंने इसको इस तरह किया। नेक्स्ट मैं यहाँ पे दो से तीन मेथड बस और ऐड करूंगा। एक रिमूव का, कि अगर हमें किसी की को रिमूव करना है तो उसको हम कर सकें, और वंस अगेन इसको भी हम सिर्फ और सिर्फ रिमूव करेंगे, कोई रिजल्ट की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे बेसिकली जो होगा हम यहाँ पे कर देंगे प्रेफरेंसेस डॉट रिमूव की, दैट्स इट। लास्टली क्लियर। ये हमारे पास स्टोरेज का फंक्शन बन गया। हम वापस यहाँ पे आ जाएंगे। अगर अनऑथेंटिकेटेड का आया तो यहाँ पे मैं बेसिकली एक हेल्पर और फंक्शन हेल्पर डिफाइन कर लूंगा, जिसका काम ये होगा कि एक्सपोर्ट कॉन्स्ट क्लियर ऑथ डाटा फ्रॉम लोकल स्टोरेज async void, और इसे मैं ट्राई कैच में रैप कर दूंगा, जिसका काम ये होगा कि omnis.void के स्टोरेज को पकड़े और बेसिकली क्लियर ही करते, दैट्स इट। अवेट, और अगर आप स्पेसिफिक करना चाहते हैं, अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो हम यहाँ पे स्पेसिफिक काम कर सकते हैं कि स्पेसिफिक कीज को रिमूव कर दें, और इसके लिए लोकल स्टोरेज कीज डॉट यूजर डाटा एंड, और मैंने क्योंकि अवेट करना तो प्रॉमिस डॉट ऑल, और इसको बेसिकली मैं यहाँ पर एक साथ ही दोनों को कर लूँगा ताकि मेरा जो थोड़ा टाइम है वो सेव हो जाए, और वेट मेन पे लग जाएगा। ओके इसके साथ ही यहां पे मैं बेसिकली दूसरा काम भी, एक और फंक्शन भी ऐड कर दूंगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट सेट ऑथ डाटा इन लोकल स्टोरेज एसिंक प्रॉमिस वॉइड, और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए बेसिकली
यूजर डेटा हो सकता है, ओके, जो कि ऑप्शनल है, और आई यूजर डेटा, या फिर ऑथ टोकन हो सकता है, जो कि जो वो भी ऑप्शनल है, और इन दोनों को मैं लेट से इसमें पास कर देता हूँ, ताकि जो चीज़ सेंड करनी हो सिर्फ वो ही ज़रूरी हो। स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैं बेसिकली ट्राई कैच कर लूँगा, इफ यूजर डाटा देन वेट स्टोरेज डॉट सेट लोकल स्टोरेज कीज डॉट यूजर डाटा एंड यूजर डाटा एंड if auth token then token, that's it। ये चीजें हमारी इस तरह हो जाएंगी। अब इसको मैंने कॉल करना है अगर यहां पर हमें ऑथेंटिकेशन का एरर आया, that's it। ये हो गया, और अभी के लिए इतना ही बहुत है, इसको यहाँ से बस रिमूव कर दें, और दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे अभी के लिए मैं जो है ना बेसिक चीज़ को यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, और फिर हम वहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि ये है कि जब हमने यहाँ पे करना है, स्टार्ट करना है, तो हम इस चीज़ को देखेंगे कि हमारे पास जो ऑथेंटिकेशन है वो सेटअप है कि नहीं, ऑथ स्टेट सेटअप है या नहीं, और उसकी बेस पे हम यूज़र को प्रॉपर जगह पे रीडायरेक्ट करवाएंगे। यहाँ पे हम अब ऑथ डाटा गेट करेंगे, जिसका तरीका कार है कि मैं एसिंक और यहाँ पे एक और हेल्पर फंक्शन, ये और यहाँ पे यूजर डाटा इक्वल टू अवेट सॉरी स्टोरेज डॉट गेट लोकल स्टोरेज यूजर डाटा सेम टोकन यूजर डॉट टोकन एंड रिटर्न और अगर इसमें एरर आता है तो रिटर्न नल। यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप देख लेंगे, जो कि उसने ऑटोमेटिकली पिकअप कर लिया, आप चाहें तो इसको अपडेट कर लें, अदरवाइज जो ऑटो पिकअप है वही ठीक है। डाटा अननोन कैर, जो कि एटलीस्ट वो नहीं मुझे अच्छा लगा। यहाँ पर हम बेसिकली इसके डाटा को डिफाइन कर सकते हैं कि टी होगा, सॉरी टी नहीं होगा, आई यूजर होगा, ओके, और ये स्ट्रिंग होगा। अच्छा, अब थोड़ा सा बेहतर है जी, ठीक, ये जेनेरिक टाइप का फ़ायदा। अच्छा, ये हो गया, इसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे कॉन्स्ट,
ओके अच्छा, बेसिकली यहाँ पे अगर हमें ये डाटा मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज रन और इसका जो है इसको भी हम एक्सपोर्ट कॉन्स ओके रजिस्टर लॉगिन उसके बाद ऑन ओके रजिस्टर लॉग इन ऑन यूजर फीड और इस चीज को ऐप राउटिंग में डिफाइन कर देंगे, इसको भी यहाँ से लॉगिन और बेसिकली बाकियों के साथ क्योंकि ओके अब एक कन्वेंशन फॉलो करनी है, या तो हमने हट के एंड पे पेज लगाना है या फिर उसके बिना यूज करना, तो इसको रिमूव कर देते हैं। ओके ठीक है, लॉगिन हो गया और यूजर फीड जिसको के यूजर फीड पे ले जाएंगे और अभी के लिए मेरे ख्याल से चल जाएगा काम। कहाँ पर हैं हम? ओके लोकल स्टोरेज, ओके लोकल स्टोरेज में कोई चीज़ नहीं है। ये चीज़ और इस चीज को
ऐप, ये ऐप एंट्री पॉइंट, हालांकि हम इस कंपोनेंट को बीच में से रिमूव कर सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ पर ऐप एंट्री पॉइंट को या फिर ऐप में डायरेक्टली इसको कॉल कर सकते हैं, ऐप राउटर को। बेसिकली ये जो काम हो रहा सर, तो ठीक है सर, मैं अभी के लिए, और सॉरी वो मैंने HOC ऐड नहीं किया, HOC क्रिएट कर दिया लेकिन अभी ऐड नहीं किया। ठीक है, तो उसको यहाँ पे हम, और अब उसको ऐड इस तरह करना है कि वो बेसिकली इस राउटर में आए, क्योंकि हम उसमें नेविगेट को भी यूज़ कर रहे हैं। ओके ठीक है, क्योंकि अब उसको उसमें नेविगेट को भी यूज़ कर रहे हैं, तो अब उसका जो HOC का काम है वो इस तरह होना चाहिए कि वो उसमें सही तरह रैप हो। जो टेंस्टेक राउटर है उसमें ये चीज़ ज़रा इजी है, क्योंकि उसमें बेसिकली हमारे पास रूट राउट होता है जिसमें कि हम आउटलेट करते हैं और उसके थ्रू काम ज़रा आसान हो जाता है। यहाँ पर मुझे ऑथेंटिकेट HOC एंड लेट्स से H1 ऑन। ओके समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके नो राउट मैच फॉर लॉगिन, लॉगिन के लिए वो कह रहा है कि कोई राउट नहीं मैच किया। ठीक है, ठीक है, अगर मैं यहाँ से वापस आता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया मुझे लेके, और इसमें लॉगिन में मुझे अब एक बटन चाहिए जो कि मुझे ऑथेंटिकेट कर सके, जो कि मैं इससे ले सकता हूँ दिस। अभी के लिए डमी लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट देख लेंगे। यहाँ पे बेसिकली सेट ऑथ डाटा इन लोकल स्टोरेज, और ऑथ डाटा में बेसिकली मैं दोनों यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा, यूज़र जो कि आई यूज़र होगा, और इसको ईमेल मेनली चाहिए a1xml@gmail.com। ID भी ऐड कर देते हैं जस्ट इन केस 1, और इसे क्या चाहिए, नेम चाहिए एहसन महमूद, और क्या चाहिए, क्रिएटेड एट लेट्स से न्यू डेट डॉट टू स्ट्रिंग, और क्या चाहिए, अपडेटेड एट न्यू डेट टू स्ट्रिंग, सॉरी खैर चलेगा, डेट ही चाहिए लेकिन मुझे टू इज अ स्ट्रिंग। ओके
ये हो गया, इसको यूज़र पास कर दूंगा जो कि यूज़र डाटा हो जाएगा, और ऑथ टोकन मुझे चाहिए, कॉन्स्ट ऑथ टोकन डमी ऑथ टोकन, वेट किया, और इसी के साथ मैं कॉन्स्ट सेट यूजर दिस यूज सेट इक्वल स्टेट यूजर डेटा दिस यूजर दिस, और इसमें यूजर ओके देखते हैं ये हो जाएगा। और मुझे बाकी कुछ करने से पहले यहाँ पर एक और काम करना पड़ेगा, यूज इफेक्ट बेसिकली ओके उधर मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं डायरेक्ट इसको कह सकता हूँ यहाँ से ही, कॉन्स्ट नेविगेट यूज नेविगेट नेविगेट ऐप लॉग्स डॉट कॉम डमी लॉगिन और होम, और जब ये होम पे रहेगा भी ठीक है। और अगर बेसिकली ये ऑथेंटिकेटेड है और कोई लॉगिन पे विजिट करने की कोशिश करे तो रीडायरेक्ट होना चाहिए, उसके लिए बेसिकली हम इसको ओके यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑथ डेट और अगर ऑथ स्टेट है तो बेसिकली मैंने उसे सेट करवा देना लोकल स्टोरेज में etc ये यू, और प्रोसेसिंग अगर हो रही है तो ये, प्रोसेसिंग नहीं हो रही और ये अगर है तो फिर मैंने उसको नेविगेट करवा देना है। हाँ URL पे अदरवाइज दिए सारा सिंपल ही है, बस ये वाला काम डुप्लीकेट है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मूव करो इसमें ही आ जाओ। और ऑथेंटिकेशन HOC ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक आ जाएगा इस क्योंकि बाकी सारा लॉजिक यहाँ पे सेम था तो यही चीज़ से डिफरेंट हो रही थी, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ये कह दिया कि अगर ऑथेंटिकेटेड व्यू है और ईमेल है तो जो चाइल्ड राउट है जो चाइल्ड कंपोनेंट है उसको शो कर दो, नहीं तो लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर दो, और अगर नहीं ऑथेंटिकेटेड राउट और उस केस में अगर ईमेल है तो हम इसको नेविगेट करवा देंगे।
फॉर्म पे, अदरवाइज चार्ज। ये हो गया, और अब अगर कोई लॉगिन विजिट करने की कोशिश करेगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाए, और अगर ये नहीं है, रिफ्रेश करेंगे लॉगिन, लॉगिन ये, और इसी के साथ एटलीस्ट हमारा जो फ्लो था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, रजिस्टर रह गया जो कि अभी विजिट कर सकते हैं, और ठीक है हम चाहें तो उस चीज़ को यहाँ पे ही डिफाइन कर सकते हैं और उसको यहीं पे डिफाइन कर देते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा, चलें इंडिविजुअल फाइल्स में उसकी इंपोर्ट नहीं होगी। सेव और सॉरी वापस, ओके ये ले, इसी के साथ हमारा ये बेसिक जो काम था वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे भी लॉगिन पे रिडायरेक्ट करने का बटन ऐड कर देते हैं, जो भी है अभी के लिए लॉगिन ऐसे ही चले जाते हैं, लॉगिन करते हैं, ये हो गया। अब अगर कोई रजिस्टर पे जाने की कोशिश करेगा वो भी काम नहीं करेगा, और अगर कोई यूज़र फीड पे जाता है जो कि शायद फीड है सिर्फ, वो चल जाएगा। और सॉरी ये मैंने उसका टेक्स्ट चेंज करना भूल गया, कोई एरर किस में, ये कभी कभी वैसे ही इसमें मतलब ना VS Code में एरर आ जाता है। यूज़र फीड का टेक्स्ट सिर्फ मैं चेंज कर देता हूँ, यूज़र फीड सॉरी, ओके दैट्स इट। ओके आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अब हम बेसिकली प्रॉपरली जो UI थी उससे स्टार्ट करेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल।